सो दैट इज द होल थिंग राइट. सो ये जो है ना, नाउ दिस इज समथिंग विच आई वॉन्ट एवरी वन शुड सी. बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये जो भी आपने देखा आई थिंक एवरी वन अप्रिशिएटेड लास्ट टाइम दे वर सेइंग कि ये काम की चीज है ना, टाइम मैनेजमेंट और अपने जो लाइफ का किस तरह से अपने कॉन्सेप्ट मतलब जो एक्टिविटीज करते हैं उसकी क्या वैल्यू है वो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट. तो अपने जो है ना ये इसको उतारना जरूरी है और उतारने के लिए एक टूल दिया था विच वॉज द क्वाड्रेंट एनालिसिस. अब मैं पहले जो है ना जस्ट टू स्टार्ट विद टू पुट एवरीवन ऑन दैट क्योंकि आई थिंक एक हफ्ते के ऊपर हो गया है. सो टू ब्रिंग एवरीवन एक फास्ट फॉरवर्ड में अपने एक एक करके वो स्किप करेंगे, मतलब एक 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 पॉइंट को ब्रीज करके जाएंगे. ओके सो वी स्टार्टेड विथ व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ दिस टाइम मैनेजमेंट, व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट इटसेल्फ राइट. अब ये मैं आपसे पार्टिसिपेशन चाहूंगा, हाँ फटाफट क्विकली आंसर दैट. ओके आपने क्या देखा था टाइम मैनेजमेंट के कौन से एस्पेक्ट्स है, कौन से एस्पेक्ट्स है, ये मैं अभी नहीं आगे बढ़ा, इसके पीछे है कौन से एस्पेक्ट्स थे टाइम मैनेजमेंट के जिसको बैलेंस करना है अपने को. तीन तीन एस्पेक्ट्स थे. एनीवन फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, एनीवन. हाँ कमिटमेंट राइट, ऑनरिंग योर कमिटमेंट एक एस्पेक्ट है. दूसरा रिलेशनशिप, वेरी गुड. रिलेशनशिप को मेंटेन करना, ओके रिस्पेक्ट देना रिलेशनशिप को, खाली कमिटमेंट के साथ नहीं, कमिटमेंट प्लस रिलेशनशिप. ओके और थर्ड एब्सोल्युटली एक्सट्रैक्टिंग द मैक्सिमम आउट ऑफ यू या एनहेंसिंग योर यूटिलाइजिंग योर फुल पोटेंशियल राइट. ये तीन पार्ट्स जो है ये अपने थ्री डायमेंशन ऑफ हैविंग अ गुड टाइम मैनेजमेंट. अगर ये तीनों डायमेंशन को बैलेंस करेंगे तो ही अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छा कहलाएगा राइट. दैट इज वन थिंग दैट वी लर्न. दूसरा टाइम एज अ रिसोर्स, आपने जो बात की थी टाइम इज अ रिसोर्स राइट. क्यों रिसोर्स है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, दो तीन पॉइंट्स लिखे थे. इक्वल टू एवरीवन, इक्वल टू एवरी, इट इज एन इक्वलाइजर, इट इज इक्वल टू एवरीवन. ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. गरीब आदमी हो या अमीर आदमी हो उसके पास इक्वल टाइम रहता है. ओके अनलाइक द अदर रिसोर्सेज, दूसरे रिसोर्सेज क्या है, किसी के पास ज्यादा पैसा है किसी के पास कम पैसा है, तो वो एक अपने लिए डिसएडवांटेज हो सकता है कि भाई मैं अगर अमीर के घर पे पैदा हुआ तो मेरे लिए रिसोर्सेज ज्यादा अवेलेबल है, लेकिन चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो वो. एंड दैट इज हाउ द गेम ऑफ लाइफ प्लेज. गेम ऑफ लाइफ मतलब जो कोई आदमी कम रिसोर्सेज के साथ भी पैदा हुआ है उसको भी अपॉर्चुनिटी मिलती है टू यूज द कॉमन रिसोर्स एंड टेक द मैक्सिमम फ्रॉम लाइफ, यू नो दैट इज द गेम ऑफ गॉड. ओके दैट इज व्हाट इज गिवन. अभी आपने जैसे मैंने एग्जांपल दिया यू नो अब्दुल कलाम का, ओके ही वॉज फ्रॉम अ वेरी पुअर बैकग्राउंड, मेनी 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 पीपल आर फ्रॉम पुअर बैकग्राउंड, ओके बट दे यूटिलाइज दैट कॉमन रिसोर्स एंड टेक द मैक्सिमम फ्रॉम देयर लाइफ. ओके दे रीच टू वेरी डिफरेंट लेवल्स, नहीं तो सिर्फ अमीर अमीर ही रहेगा, गरीब कभी ऊपर आ ही नहीं सकता है, छोटा आदमी कभी ऊपर आ ही नहीं सकता जिसके पास कम रिसोर्सेज हो. सो दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट, रिसोर्सेज वाइज इट इज अ इक्वल राइट. द अदर प्रॉब्लम, अदर प्रॉब्लम विद दिस रिसोर्स, ये टाइम टाइम एज अ रिसोर्स का प्रॉब्लम क्या था, नॉट रिवर्सेबल, इट इज नॉट रिवर्सेबल. ओके वंस गॉन गॉन, फिर उसको कभी अनलाइक अदर रिसोर्सेज, भाई मेरा अगर नुकसान हुआ है तो मैं सामने वाले से भरपाई करवा सकता हूं. ओके कोई चोरी किया है तो उससे निकलवा सकता हूं, ओके एक्सचेंज करवा सकता हूं, लेकिन दिस रिसोर्स के लिए कुछ नहीं किया जा सकता, गया तो गया. ओके एंड द अदर प्रॉब्लम विद दिस टाइम इज के कोई उसको रिसोर्स की तरह देखता ही नहीं है, इसलिए उसको कोई इंपॉर्टेंस देता ही नहीं है, यू नो. सो टाइम वेस्टर्स और टाइम स्टीलर्स जिसको बोलते हैं आर एज वीक अ कल्प्रेट एज जो आपके ऑफिस की स्टेशनरी चोरी करता है ना, जो बॉस के पास हर 10 मिनट में जाके सर ये प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं होता है, सर ये प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं होता है करता है, वो क्या करता है, बॉस का टाइम वेस्ट कर रहा है, टाइम छीन रहा है, टाइम लूट रहा है ना. और जो आदमी वो स्टेशनरी लेके जाता है ओके वो भी उसका रिसोर्स छीन रहा है, लूट रहा है, चोरी कर रहा है. ओके सो बोथ आर इक्वल द टाइम वेस्टर को, लेकिन कोई ज्यादा उस तरह से देखता नहीं है. ओके सो दैट इज समथिंग विच इज टू बी अंडरस्टूड है ना, कि दिस टाइम मैनेजमेंट का ये सारे कंसेप्ट है. ओके एक फॉरवर्ड कर ले.
ओके व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट ओके दिस अगेला ओके बैलेंसिंग द फॉलोइंग एंश्योरिंग फुलफिलमेंट ऑफ कमिटमेंट्स मेंटेनिंग रिलेशनशिप ओके देन रियलाइजिंग योर पोटेंशियल एंश्योर द ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ योर टाइम जगलिंग द टास्क शेड्यूल टू डू विद एंड एन एलिमेंट ऑफ स्ट्रेच दो रिसोर्स को मतलब जैसे बोलते हैं ना अभी नींबू का दबा देते हैं ऐसा दबा के पूरा रस निकाल दिया ओके अब उसमें क्या है थोड़ा ज्यादा कसेंगे ना तो दो बूंद और भी आएगी ओके दैट इज नोन एज एलिमेंट ऑफ स्ट्रेच है ना नॉर्मल दबा दिया जो पहले जो बोल सकते हैं लॉट में जो जूस निकला वो एक बार नॉर्मल हर आदमी वैसा ही करता है बट अगर आपको अपने आप को खींचना है तो यू हैव टू हैव एन एलिमेंट ऑफ स्ट्रेच वो लास्ट दो बूंदे अपने निकालेंगे दैट इज द रियल थिंग नो उससे क्या होता है आपकी एक प्रैक्टिस होती है तो गो ऑन स्ट्रेचिंग 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 नहीं तो जितना आपने करते हैं इससे बहुत लोग अपने बोलते हैं ना ये तो इससे ज्यादा तो मेरे से होता नहीं भाई दिन में चार घंटे से ज्यादा मैं काम कर नहीं सकता इतना तो मेरा होता है वो क्या कर रहे हैं अपने आप को बांध रहे हैं अपने आप को लिमिट कर रहे हैं अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने की जगह पर उसको एक्चुअली कम 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 करते जाएंगे ओके सो दिस इज समथिंग जो अगर आपको रियली यू नो टू बी सक्सेसफुल एलिमेंट ऑफ स्ट्रेच होना बहुत जरूरी है नेक्स्ट ओके देन टाइम मैनेजमेंट का दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू दिया कि इट इज नॉट जिसको क्या बोल सकते कंपेंसेटेबल कंपेंसेटेबल मतलब एक एस्पेक्ट में मैं बहुत अच्छा टाइम मैनेज कर रहा हूं दूसरे में मेरा टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं है ओके दूसरे एस्पेक्ट ऑफ माय लाइफ से फॉर एग्जांपल कोई आदमी डिसिप्लिन है बहुत डिसिप्लिन है इन हिज ऑफिस करियर ओके ऑफिस या करियर उसके लिए लेकिन घर के लिए बिल्कुल टाइम नहीं देता दैट इज रॉन्ग वो क्या होगा अल्टीमेटली इट विल लीड टू ब्रेकडाउन ओके ब्रेकडाउन इन द लॉन्ग रन सो टाइम मैनेजमेंट में ये छो जो एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है ये छह को बैलेंस करना जरूरी है कौन से है फाइनेंशियल एंड करियर देन फिजिकल एंड हेल्थ देन फैमिली एंड होम मेंटल एंड एजुकेशनल स्पिरिचुअल एंड एथिकल सोशल एंड कल्चरल ओके ये छह को बैलेंस इसीलिए करना जरूरी है क्योंकि क्या होगा अपने ऐसा नहीं बोल सकते ये सब ये बाद में करूंगा या ये ऐसा बिकॉज दैट विल नेवर हैपन इट विल नेवर बी पॉसिबल भाई कोई बोलेगा यार अपने जो है ना स्पिरिचुअल वगैरह तो मैं जब बुढ़ा होगा तभी करूंगा मैंने दिए हैं टू बी डन साइमल्टेनियसली हाँ उसका कम ज्यादा मात्रा होती है कि एज यू ग्रो ओल्डर यू विल फोकस मोर ऑन स्पिरिचुअल दैट इज फेयर बट जिसने जीरो स्पिरिचुअल रखा ना वो जब 60 प्लस होगा तब उसके पास लाइफ में कुछ भी नहीं होगा जिसने सिर्फ बिजनेस के ऊपर फोकस किया होगा आपने देखते हैं बहुत सारे बूढ़े लोग होते हैं जो फैमिली बोलती है यार ये दूर जाए तो अच्छा है क्यों उसने उस टाइम पर फैमिली के लिए टाइम नहीं निकाला था वो सोचेगा नहीं नहीं वो तो कोई वो तो बड़े 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 होंगे अपने आप ही हाँ वो बड़े हो गए अब प्रॉब्लम है तुम्हारा कि नाउ दे आर नॉट एट ऑल अटैच्ड टू यू सो दैट टाइम दे विल नॉट वॉन्ट योर इंटरवेंशन आपका इंटरफेरेंस लगने लगता है तो इसलिए फैमिली एंड हेल्थ फाइनेंशियल करियर के साथ में फैमिली एंड होम को भी देना जरूरी है ओके या आफ्टर 55 और 60 के बाद बोले अभी मैं जो है ना वो थोड़ा धर्म शर्म का काम करने लगता लेकिन उससे कुछ नहीं होता फिर क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही नहीं है फिर वो क्या होता है भटकती आत्मा होती है अरे यार क्या करेगा बोर हो जाता है डिप्रेशन हो जाता है आफ्टर 58-60 जो बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और ये वो जो ना जिन्होंने कभी फोकस नहीं किया ये धर्मों का वो क्या होता है फिर वो भटक जाते दोनों क्या करना है क्योंकि उस टाइम पर फाइनेंशियल का कोई फोकस नहीं रहता है हेल्थ के ऊपर फोकस नहीं किया होगा तो यू नो दे तो नॉर्मली के भाई यू स्टार्ट वॉक्स एंड दिस एंड दैट तो एटलीस्ट एक ग्रुप सोशल ग्रुप भी क्रिएट हो जाता है तो उनके साथ टाइम बिताने का एक्सपीरियंस मिल जाता है तो लेटर ऑन व्हेन यू डोंट हैव दिस दैट टाइम यू कैन इंक्रीज दिस तो इसलिए ये बैलेंस करना बहुत जरूरी है ठीक है नेक्स्ट ओके देन वी केम टू द मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो आज अपने करने वाले दैट इज द टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स में मैंने बताया था चार क्वाड्रेंट्स है नेक्स्ट ओके इंपॉर्टेंट नॉट इंपॉर्टेंट और अर्जेंट नॉट अर्जेंट ठीक है ये चार क्वाड्रेंट्स में अपनी सारी एक्टिविटीज को अपने को जो मैंने एक्सरसाइज दी थी ये अपनी सारी एक्टिविटीज को इन चार क्वाड्रेंट्स में अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है ओके अभी क्लियर वो जो अपने बात था राइट अच्छा अगेन नाउ अकाउंट ऑफ हैंड्स किसने ये बिल्कुल ही नहीं किया है
या किसने किया हुआ है? चलो हाँ, थोड़ा तो किया है, गुड। थॉट प्रोसेस भी डाला है, थॉट प्रोसेस भी, और यू बिल्कुल कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, व्हाट अबाउट, बिल्कुल कुछ नहीं किया, ओके गुड, नो प्रॉब्लम फॉर दोज हु डिड नॉट, जो ये लास्ट टाइम नहीं किया था, ओके आई विल, आई न्यू इट, ये आई एम वेरी हैप्पी, एटलीस्ट देयर आर फाइव पीपल हु हैव डन टू सम एक्सटेंट, ओके। बट नाउ ये जो मैंने बताया था ना वर्कशॉप करने का, ये वर्कशॉप यही है, यू नो, आपने सोचते कि होमवर्क होमवर्क बचपन में नहीं किया था, अभी क्या करेंगे? जब वो टीचर जो है डंडे मारती थी होमवर्क नहीं करने के लिए, मैं तो डंडे नहीं मारने वाला हूँ, ये तो सबको गारंटी है, तो वो डंडे मारने के बावजूद भी अपने नहीं करते तो अभी क्या करेंगे? एनीवे नो प्रॉब्लम इन दैट, दैट इज व्हाई ये सेशन का हम लोगों ने अरेंजमेंट किया हुआ, क्या कि दिस इज द वर्कशॉप। अपने को अब क्या करना है, वी विल थिंक अबाउट, मैंने ये रिकैप किया, ओके फास्ट फॉरवर्ड में ये किया, अब सेम थिंग, अब ये क्वाड्रेंट का भी मैं रिकैप करूंगा, ओके। एंड आई वॉन्ट यू, ये टेक 15 मिनट 20 मिनट्स, एक 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 आप अपने पेपर पे, पॉइंट पेपर पे नोट करते जाएंगे, दिस अ वर्कशॉप, ठीक है ना, डोंट हैव टू कॉपी फ्रॉम ईच अदर, ओके। बिफोर वी डू दैट, बिफोर वी स्टार्ट दैट, इसको भी थोड़ा रिकैप करेंगे, इम्पोर्टेंट अर्जेंट ये पार्ट को, इसको रिकैप करने की जरूरत है ना, एक रिकैप कर लेते हैं, ओके। सो एग्जाम्पल ऑफ दिस इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट इज क्या, अर्जेंट मतलब क्या, समथिंग जो अभी का अभी किया तो ही काम चलेगा, वो ऐसा नहीं है कि कल करेंगे तब चलेगा, नुकसान हो जाएगा, ओके। देयर विल बी अ इरिवर्सिबल डैमेज, टिपिकली दैट इज डिफाइंड एज अर्जेंट, ओके, ठीक है ना, अभी का अभी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये नहीं किया आज नहीं तो कल कर सकेंगे, ओके, नॉट मच डैमेज, मोस्टली डैमेज इज मैनेजेबल, ओके। अगर अभी नहीं किया और कल किया, कल मीनिंग इट टू बी 1 week लेटर और 15 days लेटर, देन ऑल्सो दैट इज इन फ्यूचर, वो किया तो इट इज डिफाइंड एज नॉट अर्जेंट। एंड इंपॉर्टेंट मीन्स जो काम आपके लायक हो, आपके लेवल के लायक, मीन्स कि वो आपके अंडर वाला आदमी वो काम कर ही नहीं सकता है, दैट इज नोन एज इंपॉर्टेंट। सो दिस इज कंटेक्स्ट, मतलब ये आपके संदर्भ में है, ओके। जो काम आपके लिए अनइम्पॉर्टेंट है, हो सकता है वो आपके असिस्टेंट के लिए इंपॉर्टेंट हो, ये बायफर्केशन समझना जरूरी है ना। अपने जैसे फॉर एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल लिया था, कौन सा एग्जाम्पल लिया था, इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भरने का, आपके असिस्टेंट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट काम था, लेकिन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, नहीं ना, बॉस है वो थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने जाएगा, लेकिन उसका असिस्टेंट जो ये भरता है उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ना। जब उस पर्सन ने इलेक्ट्रिसिटी बिल का भरने का जो पॉइंट उसने नहीं किया, तो क्या हो गया, वो काम अर्जेंट हो गया। सी नॉर्मली 15 दिन का गैप देते ना, बिल आ जाता है, फिर 15 दिन का गैप होता है कि आप ड्यू डेट के पहले भर दीजिए, नहीं तो कार्ड पेनल्टी, तो ठीक है कार्ड भी दे देना, इलेक्ट्रिसिटी तो कार्ड जाते हैं, अभी कार्ड देंगे मतलब फिर तो पूरा बिजनेस, कोई कंप्यूटर नहीं चलेगा, कोई कुछ नहीं चलेगा, फिर जोड़ने के लिए पेनल्टी लगती है और दिन लगते हैं, हो सकता है 2 दिन के बाद आ जाए, ना लगता है बिजनेस विल स्टॉप, इट्स अ डेंजरस थिंग राइट, अगर नहीं हो तो क्या हुआ, बिल भरना जो एक्चुअली आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, वो आपके असिस्टेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो उसका रूटीन आता है, वो आदमी बिल भरता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था राइट, तो वो चीज अल्टीमेटली आपको इंपॉर्टेंट हो गई, क्यों, क्योंकि आप बॉस है ना, आपके 4 कनेक्शन है टॉरेंट में और वो हायर लेवल पर जीवी में या जहां पर भी, वो आपके कनेक्ट है, अब उसको आपको फोन लगाना पड़ा, अरे भैया देख ले, नहीं 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 अच्छा चल एक काम करो, मैं पर्सनली आके मिलता हूँ यार, तू समझ जा, मैं पूरा लाइट बंद हो जाएगा, आपके आदमी को अभी रोक लिया, आदमी नीचे खड़ा हुआ है, तो ऐसे सब वो मतलब इसके पीछे टाइम बिगाड़ना ही हुआ ना, जो नॉट नेसेसरी है। सो दिस इज समथिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड राइट, सो
इम्पोर्टेंट भी जो आपके लायक हो, एंड इट इज डूइंग समथिंग गुड फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, राइट? सो दैट इज कॉल्ड इम्पोर्टेंट, राइट? सो ये अपने चारों बाइफर्केशन कर लिया, ओके? नेक्स्ट ले ले, ओके? नाउ ये एक एनालिसिस समझना है. नाउ वांट अर्जेंट मे बी अ क्राइसिस, ओके? अर्जेंट इम्पोर्टेंट मीन्स क्राइसिस, यू नो. देन इट इज डेडलाइन ड्रिवन प्रोजेक्ट, मीन्स ये डेडलाइन पर कंप्लीट करना ही है, ओके? देन प्रेसिंग प्रॉब्लम्स, ओके? मीटिंग्स. नाउ यहां मीटिंग्स, ये एक्चुअली मीटिंग जो है ना वो तीनों जगह है, ये चारों जगह है. मीटिंग्स का रियल पर्पस क्या है उसके हिसाब से वो डिफाइन होती है. विच मीटिंग आर वी टॉकिंग अबाउट? यू नो, अ मीटिंग टू सॉल्व एन इमरजेंसी प्रॉब्लम इज बी कट अंडर दिस, राइट? के फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक हो गया है या फ्लड आ रहे हैं, तो अब अपने को क्या करना है? विद इन वन आवर व्हाट इज द स्किल और व्हाट इज द मोबिलाइजेशन दैट वी हैव टू डू? दिस इज दैट रेफरिंग टू दैट लास्ट मिनट प्रिपरेशन. अभी गड़बड़ हो गया है, ये हो गया, ओके? नाउ दिस इज इट, राइट? नाउ नॉट अर्जेंट में प्लानिंग, इट्स नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट. देन प्रिपरेशन, प्रिपरेशन मीन जो तैयारी करना कोई भी इवेंट के लिए, ओके? रिलेशनशिप बिल्डिंग, ट्रू रिक्रिएशन, नॉट ट्रू रिक्रिएशन. ट्रू रिक्रिएशन मतलब जो अपना एंटरटेनमेंट बोलते हैं, विच इसका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ट्रू इसीलिए बोलते हैं कि इसके अंदर लिमिट होता है, ओके? एंड रिक्रिएशन मतलब क्या? जो दोबारा क्रिएट कर रहे हैं, मतलब चार्ज, जैसे रिचार्ज करते हैं ना अपने, रिचार्ज मीन्स चार्जेस, ओके? इसमें दिस रिक्रिएट्स योर लाइफ, मतलब आपके अंदर आपके काम करने की क्षमता को रिक्रिएट करता है, ओके? तो ये ट्रू रिक्रिएशन का मतलब ये रहता है कि जो काम, जो एक्टिविटी से आप रिफ्रेश हो जाते हैं. बहुत बार यू नो आप दिन भर बहुत काम किया हुआ है, फिर जाके मसाज कराएंगे, ओके? तो दैट इज रिक्रिएशन, दैट इज रिक्रिएशन. घर पे गए, एक फर्स्ट क्लास हाफ एन आवर का कॉमेडी सीरियल देखा, लाइट सीरियल देखा, यहां पर पूरा दिन भर का प्रेशर था, रिलैक्स हो जाता है. होता है, नहीं होता है? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ट्रू रिक्रिएशन, ओके? देन हियर अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट में इंटरप्शन, सम फोन कॉल. अभी अपने फोन कॉल को तो मोस्ट अर्जेंट दर्जा देके रखा है ना आपने, देके रखा है कि नहीं? एकदम मीटिंग में चल रहा होगा सीरियस, एक्सेप्ट फॉर द बॉस, ये मैंने देखा है टेंडेंसी, बॉस के साथ होगा ना तब खाली फोन आदमी काटता है. बाकी अगर वो अपने इक्वल पार्टनर से, मतलब कोई दूसरे डिपार्टमेंटल हेड, एक हेड दूसरे डिपार्टमेंट हेड से बात कर रहा है, बात कर रहा होगा, और ऐसा ही फोन कॉल आएगा, अननोन नंबर वाला आएगा ना, तो भी वो नहीं काटेगा. नाउ व्हाट डज दैट मीन? यू नो, वो उसके बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहा है. वो बंदा ने फोन किया, यू डोंट नो हु दैट गाय इज ऑल्सो, फिर भी उसको अटेंड किया, मतलब जो सामने वाला बैठा है उसकी वैल्यू ऑब्वियसली कम है, आपने उसको हायर प्रायोरिटी दे दिया, राइट? दिस इज समथिंग जो अपने लोगों ने क्रिएट कर दिया. आजकल वैसे ट्रू कॉलर करके जो प्रोग्राम आता है ना, उससे काफी हद तक पता चल जाता है, ओके? स्पैम का वो ऑटोमेटिक ब्लॉकिंग हो जाता, बट स्टिल ये अपने ऊपर है फोन कॉल, ओके? सो दिस इज वेयर यू हैव टू बी सेंसिटिव कि मैं कितनी बार ये अलाउ करता हूं. यू नो, अपने लाइफ में अपने देखेंगे ना, जो आपकी एक्टिविटीज होती है ना, जैसे आधे घंटे में अपने करने वाले, बहुत वो कंटिन्यूस फोन आते रहते हैं कहीं से भी, अपने सबॉर्डिनेट से आता रहेगा, ये सब आते रहते हैं. और ये समझने वाली बात है, ये क्या मतलब होता है? अभी फॉर एग्जाम्पल आपने एक स्ट्रक्चर बना के रखा है आपके सबॉर्डिनेट से, वो सबॉर्डिनेट क्या करते हैं? आपने काम दे के रखा है, हर बार क्या होगा? कुछ भी काम अटका, सर ये मैं क्या करूं? अब हो सकता है ये काम जिसके लिए वो अटका है, वो हो सकता है कल भी आपको रिपोर्ट करे, हो सकता है शाम को भी रिपोर्ट करे, और एज अ बॉन, एज अ मैनेजर, एज अ बॉस, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू से कि तेरे चीज़ रे प्रॉब्लम है ना, शाम को 5 से 6 बजे, दैट इज कॉल्ड टाइम स्लॉट, 5 से 6 बजे तो मेरे को करके पूछ लेना, उससे पहले डिस्टर्ब मत कर. हाँ, एकदम अर्जेंट हो, जानलेवा सिचुएशन आ गई है तो डेफिनेटली, ओके?
सो दैट इज समथिंग. जैसे आपने देखा होगा ना हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में क्या होता है, देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ ओपीडी, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट. मतलब वो क्या होता है, वो टाइम स्लॉट है 10 बजे से 12 बजे तक परचुरन केसेस लिए जाएंगे. ओके okay. ऐसा नहीं होता है कि हॉस्पिटल में वो सर्जरी कर रहे हैं, सर 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 मेरे को जरा ये इधर पेन हो रहा है क्या करूं, चलेगा नहीं. आर यू गेटिंग दैट? सो योर वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट. कंटिन्यूटी नहीं रहती है तो क्या होता है, वर्क की वही वर्क स्ट्रेच हो जाता है. जो आधे घंटे का काम है ना 2 घंटे में हो जाएगा अगर कंटिन्यूटी नहीं रहेगी. अगर अपने को वो कंटिन्यूटी नहीं मिलने वाली है तो आधे घंटे का काम 2 घंटा आराम से स्ट्रेच हो सकता है. एक ने डिस्टर्ब किया, दूसरे ने डिस्टर्ब किया. तो ये फोन कॉल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. यू हैव टू, अच्छा ये सब आपके हाथ में है, आपने डिफाइन किया है, ठीक है ना. आपने डिफाइन कर देना है. डिफाइन मीन्स कैसे करना है, यू हैव टू पोलाइटली रिलेशन बैलेंस बैलेंस करना है. यू हैव टू पोलाइटली थिंग. जैसे मैं जो है ना अभी कॉल आया, ये मेरे क्लाइंट का कॉल, ठीक है. मैंने क्या किया, यहां पर जैसे आता है अभी आजकल तो फैसिलिटीज भी ज्यादा है, यहां पर आता है तुरंत मैसेज रिजेक्ट विद दिस मैसेज, तो मैं वो दबा दिया. आई एम इन अ मीटिंग, कैन वी टॉक लेटर. अभी वो किसी को बुरा लगेगा नहीं. अगर मैं उठा के बात करता, हाँ बॉस ऐसा है मैं जरा 5-10 मिनट में मीटिंग कर रहा हूं उसके बाद में कॉल करूं, चलेगा. अब क्या हो जाता, यू ऑल विल गेट डिस्टर्ब फॉर द 10 मिनट और 5-10 सेकंड्स और 20 सेकंड्स ऑल्सो. और वो डिस्टर्बेंस में 20 सेकंड इंटू 20 पीपल कितना सेकंड हुआ, दिस इज देयर मीडियम. अपने को यह सेंसिटिव होना है कि ये चीजों को वी हैव टू. अच्छा बैलेंस मैंने किया कि नहीं, बैलेंस किया क्या, मैंने ऐसे काट देता तो क्या होता, उनको बुरा लगता है, क्या बात है मेरा फोन काट रहे. बट अगर उसको पता चला कि ना मैंने मीटिंग, ओके एंड देन फिर उसमें एक और मतलब एडेड है सेंटेंस, इफ अर्जेंट प्लीज एसएमएस. जानलेवा सिचुएशन है तो पता ना, आज मेरे लिए बाहर निकल के भी बात कर सकता हूँ, ठीक है ना. तो वो जनरली आता है कि नो प्रॉब्लम, आई विल टॉक लेटर. 99% ऑफ द टाइम ऐसे कोई अर्जेंट नहीं होते अपने दुनिया पर, अपने इधर दुनिया नहीं चलती है. ओके सो मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल मैनेज विद अदर टाइम और दे विल टॉक टू यू लेटर और समथिंग, राइट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज हाउ, जो मैं बता रहा हूँ ना, ये कॉन्टेंट एनालिसिस करेंगे ना आप खुद का, तो आपको खुद को पता चलेगा यार मेरे कितने ऐसे फोन कॉल आते हैं और ये मेरे फोन कॉल आते हैं क्यों आते हैं, उसका एनालिसिस करना होगा आपको. क्या मेरा हर आदमी मेरे से हर 10 मिनट में पूछता है, अगर पूछ रहा है तो किसका गुना, किसका फॉल्ट है, किसका फॉल्ट है. अगर आपका जूनियर है वो हर 10 मिनट में उसको कुछ ना कुछ पूछने की जरूरत पड़ती है, हर आधे घंटे में पूछने की जरूरत पड़ती है, किसका फॉल्ट हुआ, सीनियर का. सीनियर क्या बोलेगा, वो गधा है यार क्या करूं. नहीं नहीं, सीनियर को गधे से घोड़ा बनाना उसका काम है. बेसिकली क्या है, ही हैज टू ट्रेन हिम, ही हैज टू ट्रेन हिम कि यार तेरे को ये चीज आए तो ऐसा डॉक्यूमेंट कर दो, उसको सिस्टम बता दो, समझा दो, फिर वो क्या करेगा. या आपका सिस्टम बता दो कि तेरे को कोई भी प्रॉब्लम है तो तू शाम को मेरे को पूछ लिया कर, या पहले से एंटिसिपेट करके सर मैं अगर उधर जाऊं और वो क्लाइंट मेरे को मना करे तो क्या बोलूं, चल तो तू इतना तक तो तू तेरे हिसाब से हैंडल कर ले. तो क्या होगा, वो जो क्लाइंट ने ना बोल दिया या कुछ डिले हो रहा है, वो बोलेगा नहीं 2 दिन में नहीं देता हूं चेक. तो आपने क्या बोल कर रखा है, नहीं देना तू मेरे से बात करवा देना. जनरली अपनी ये टेंडेंसी रहती है कि चीज अपने कंट्रोल में रखना, फिर आप बात करेंगे. वो बोलेगा मैं नहीं दे सकता हूं, अच्छा ठीक है चलो आप 10 दिन में देना. आपने भी वही बोल दिया तो सेम उसको भी आप बोल सकते थे कि तू बोल देना चलो ठीक है, लेकिन सर 10 दिन के बाद में फिर मैं नहीं और डिले करूंगा. सो दैट इज द रिलेशनशिप, दैट इज द टीम डेवलपमेंट. टीम को आपको बढ़ाना है उसमें. सो देन There's some mails and some reports. Reports, हाँ ये reports का भी बहुत बड़ा concept है. सबको जो है ना अपने टेबल पर बड़ी बड़ी रिपोर्ट एवरीडे, मेरे को एवरीडे ये रिपोर्ट छाप के दे दो. तो बहुत सारे लोग होते हैं जहां पर हो, अरे वो देखने का कितना, वो रिपोर्ट यहां लग जाती है रोज सुबह को, फिर फाइल हो जाती है तो उसको लगता है नहीं नहीं ये कभी भी मैं देखूंगा. लेकिन न्यूज पेपर भी आप एक बार ये न्यूज पेपर देता होता है 15 दिन के बाद में एक न्यूज पेपर कभी आपने लिया है हाथ में, एक बार फाइल में हुई ना तो रिपोर्ट भी ऐसी है न्यूज़पेपर जैसी, फाइल में हुई मीन्स गई खत्म. ओके तो अननेसेसरी एक पर्सन ने उसके ऊपर 1 घंटा वेस्ट किया, 25 कागज वेस्ट किया, यहां रखा आपने देखा भी नहीं. तो क्या होता है, आपके लायक जितनी रिपोर्ट्स है 2 रिपोर्ट 3 रिपोर्ट बस,
तीन पेजेस से ज्यादा नहीं रखने और उसको देखकर जितने काम का है। देखो हर आदमी को सब इन्फॉर्मेशन होना जरूरी नहीं है, जैसे मेरा जूनियर है ये पूरे दिन में 25 एक्टिविटी करता होगा। ट्रेडिशनली अपने समझते मेरे को तू जो चीज करे ना आई शुड नो एवरीथिंग व्हाट एवरीथिंग। मॉडर्न मैनेजमेंट में या आजकल जो डेलीगेशन एम्पावरमेंट वाला मैनेजमेंट रहता है ना वो क्या बोलते हैं, तेरे को जो प्रॉब्लम एरिया लगे ना समझ ले या जो एक्सेप्शनल है तेरा रूटीन वाला है वो मेरे को रिपोर्ट ही मत कर। भाई तेरे पास कॉल आने हैं, तूने कॉल्स किए रिक्रूटमेंट के लिए, यहाँ आदमी को भेज दिया वो बोलना, अगर वहां कोई प्रॉब्लम हुआ तो मेरे को बता, तो मेरे को रिपोर्ट कर के हाँ इनके यहाँ पर ये प्रॉब्लम हुआ, सो देन मे बी आई कैन एक्सप्लेन यू द सिचुएशन राइट। सो दैट इज कॉल्ड एज एक्सेप्शनल रिपोर्ट्स, दीज आर कॉल्ड एक्सेप्शनल रिपोर्ट्स राइट। तो ये जो रिपोर्ट्स है ना ये बहुत डेंजर चीज है, अपने को ऐसा एक फॉल्स फीलिंग दिला देता है कि मैं बहुत सारा काम कर रहा हूँ, ये सारे रिपोर्ट देख रहा हूँ, सारे रिपोर्ट काम के नहीं है, रिपोर्ट वो आपके लायक ही नहीं है। जो द बॉस होगा ना द बॉस उसके एक पेज की एग्जीक्यूटिव समरी आनी चाहिए, भाई मेरा गाड़ी कहाँ जा रही है, मेरे एसेट्स कहाँ जा रहे हैं, मेरे टोटल सेल्स कितना डिफरेंस है फ्रॉम द टारगेट, वो देखना है। कितना टारगेट हुआ ना वो भी नहीं देखना, क्योंकि आपको पता है टारगेट आपने सेट किया मेरे को 300 करोड़ जाना है, तो एक हफ्ते में मेरे को इतना करोड़ का टर्नओवर चाहिए राइट। अब क्या रिपोर्ट आनी चाहिए, 20% ऑफ, 20% बिलो टारगेट, तो मेरे को अपने आप टेंशन होगा ए भैया 20% नीचे है यू नो। तो मेरे को आंकड़े डेली ये 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 क्लाइंट का लंबा लिस्ट किसने दिया किसने नहीं दिया क्यों दिया, फिर वो हर बार ये भाई ये क्यों नहीं दे रहा है, देखो उसको क्यों नहीं दे रहा है वो उसको पता है वो भाग रहा है उसके पीछे, उसका काम है दो ना, अंडरस्टैंड है। सो दिस इज समथिंग विच एवरी मैनेजर हैज टू लर्न, अगर उसको अपना टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज करना है। फिर बस क्या होगा, अगर मैनेजर वो खुद आदमी का ही काम करने लग जाए राइट। सो दिस इज समथिंग जैसे वो एजिंग एनालिसिस करते, एजिंग एनालिसिस करते ना, एजिंग एनालिसिस मतलब जो पेंडिंग पेमेंट वाले हैं, तो उसमें क्या है कि देयर इज लाइक के ये टोटल समझ लो आपके 50 लाख का उगरानी है जो आपको बाकी लानी है, मतलब कुछ ना कुछ लाने हैं, तो 50 लाख में से आपका 15 दिन डिलेड वाला कितना है, फिर 30 दिन डिलेड वाला कितना है, 45 दिन डिलेड वाला कितना है, और 60 डेज के अनुभव वाला कितना है, दैट इज नॉट एजिंग। तो बॉस को क्या देखना है, 60 दिन वाला जो है ना डिलेड उसका बारे में पूछे सर, 15 दिन वाला तो वो फोड़ रहा है ना, मैनेजर है वो भी कोई थोड़ी मुखला है छोटा मोटा लेवल वो फोड़ रहा है, उससे 4 बार बात करने वाला है, धक्का मारने वाला है, तो यू शुड नॉट आस्क हिम आल्सो कि भाई यार ये क्यों दे रहा है इतना 15 दिन वाला, ये क्या हो रहा है, तू मेरे को पूरा लिस्ट दे, वो व्हाट यू आर डूइंग यू आर एक्चुअली अपना खुद का पावर को डाइल्यूट कर रहे हो ठीक है ना। सो दैट इज वेयर यू हैव टू बी सिलेक्टिव, सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मीटिंग्स, यहाँ पर जैसे मैंने बताया यहाँ पर भी एक मीटिंग थी, यहाँ पर भी सब मीटिंग थे, सब मीटिंग मीन्स वो तत्काल बिकॉज ऑफ दैट गाइस प्रॉब्लम अपने को मीटिंग अटेंड करनी राइट। देन अर्जेंट मैटर्स, अगेन अर्जेंट अननेसेसरी मैटर्स तुम्हारे लिए, वो मीटिंग से मैंने बात किया। देन एक्टिविटी बिलो स्किल लेवल विद, अपना स्किल है जैसे मेरा स्किल है नेटवर्किंग का है ओके, अब मैं उसके सामने मैं ऐसी कोई एक्टिविटी कर रहा हूं तो मेरे स्किल के लेवल की नहीं है, देन ऑब्वियसली इट इज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी नो डाउट फॉर द क्लाइंट मे बी बट ऑफ नॉट माई लेवल राइट। सो दैट इज टू बी क्लासिफाइड एज राइट। देन फोर्थ इनसिग्निफिकेंट मैटर्स मतलब जो मैटर्स जो है बिल्कुल फालतू, जैसे स्पैम आता है ना अपने पास ह्यूज नंबर ऑफ द मोस्ट अमेजिंग फैक्ट्स ऑफ दिस वर्ल्ड